पिछले लेक्चर में हमने लीनियर जेब्रा में वेक्टर स्पेस और उसकी सब स्पेसेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट का नेम है वो है लीनियर जेब्रा, तो जो मेनली जो इसका चैप्टर का नेम है ना वो इससे ही रखा गया है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, पूरा का पूरा जो लीनियर अलजेब्रा है सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही बेस है। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है अच्छे से, तो आप लीनियर अलजेब्रा को मास्टर कर सकते। तो शुरू करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर आ फील्ड एफ। हम मान लेते हैं वी वन और वी टू हमारे पास दो वेक्टर हैं फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी, और अल्फा वन एंड अल्फा टू हमारे पास दो स्केलर्स हैं फ्रॉम अवर फील्ड। तो हम क्या करते हैं, अल्फा वन और वी वन का स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या एक वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा वन और वी वन हमारा वी को बिलोंग करेगा, और उसके बाद हम अल्फा टू और वी टू का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और ये भी जो वेक्टर होगा वो भी हमारा इस वी वेक्टर स्पेस में होगा। और अगर हम इसको प्लस करेंगे दोनों वेक्टर्स को तो वो भी हमारा किस में होगा, तो इसे ही हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब वी वन और वी टू दो वेक्टर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू। अब जैसे हमने वी वन वी टू और वी थ्री वेक्टर्स हैं हमारे पास, तीन वेक्टर्स हैं, इनका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्केलर ले लेंगे अल्फा वन वी वन, वी वन फाइंड करेंगे, उसके बाद अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वैक्टर्स वी वन वी टू एंड वी थ्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जो वी हमारी वैक्टर स्पेस है उससे आर टू ले लेता हूँ, और जो फील्ड है वो मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ले देता हूँ, तो हमारी वेक्टर स्पेस क्या बनेगी, आर टू ओवर आर। अब इसमें हम वी वन वैक्टर लेते हैं, मैं इसे वन और टू ले लेता हूँ, और वी टू वैक्टर मैं इसे वन जीरो ले लेता हूँ। अब हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्केलर ले सकते हैं रियल में, रियल नंबर में, जैसे कि अल्फा वन मैं ले लेता हूँ टू, और अल्फा टू ले लेता हूँ मैं सपोज वन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे पास, टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर प्लस वन मल्टीप्लाई दिस वेक्टर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, हमने जो स्केलर है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है, और अब इनको ऐड करने के बाद हमारे पास बन जाएगा थ्री और फोर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये हमारा वेक्टर है थ्री फोर वो क्या है, एक इज लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ वन टू एंड वन जीरो। ये समझने की बात, मतलब ये वेक्टर इन दोनों का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे पास ऐसे स्केलर्स पड़े हैं टू और वन जो जिसका हम इसको बना सकते हैं थ्री और फोर वेक्टर्स। जो ये वेक्टर हम लेते हैं आप उसको रो वाइज भी लिख सकते हैं और कॉलम वाइज भी, बट मैं पूरे लीनियर अलजेब्रा में इसको कॉलम वाइज भी लिखने वाला। तो ये रहा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं हमारा लीनियर स्पैन। व्हाट इज लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट एस है, उसमें हमारे पास तीन वेक्टर्स पड़े हैं से वी वन वी टू और वी थ्री। अब हमने क्या करना है, हमें एक ऐसी सबस्पेस चाहिए वी की जिसमें ये तीनों के तीनों वेक्टर्स पड़े।
उसके लिए हम जो सब स्पेस बनाएंगे वो क्या बने, उसका नाम क्या देते हैं हम, लीनियर स्पैन। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हम क्या करते हैं, अब हमने इन तीनों वेक्टर से एक सब स्पेस बनानी है, और सब स्पेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, खुद एक तो वो वेक्टर स्पेस होनी चाहिए खुद में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सेट बनाते हैं, उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और उसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होगा, लीनियर स्पैन। तो हम क्या करते हैं, इस सेट में ये तीन वेक्टर्स हैं, इसमें जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन तीनों वेक्टर्स के, वो हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। मतलब अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री, वेयर अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री हमारे किसमें होंगे, फील्ड में से। तो जो ये सेट बनेगा वो अपने आप में एक सबस्पेस बन जाएगा, क्योंकि तो हमने क्या किया है कि जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन वी वन वी टू वी थ्री के बन सकते थे वो सारे के सारे हमने इसमें ले लिए। और वी वन भी इस वेक्टर इस सबस्पेस में होगा, क्योंकि अगर मैं इसको अल्फा टू अल्फा थ्री इन दोनों को जीरो ले लीजिए और अल्फा वन को वन ले लीजिए, तो वी वन वैक्टर है जो इसे बिलोंग कर। जैसे हमने अल्फा वन मैंने वन लिया, अल्फा टू जीरो लिया और अल्फा थ्री जीरो लिया, तो वेक्टर क्या बनेगा हमारा, वी वन। तो वी वन वैक्टर है वो इसमें बिलोंग करेगा। इसी तरह से वी टू और वी थ्री आप बना सकते हैं, और ये तीनों वैक्टर इसमें पड़े हैं और इनके सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमने इसमें ही रख लिए। तो इसका मतलब जब भी हम इन दोनों वेक्टर्स कोई भी वेक्टर यहां से लेंगे वो क्या होगा, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। तो इसे बोलते हैं हम लीनियर स्पैन। तो इस तरह से हम एक इसकी सबस्पेस जनरेट करते हैं थ्रू लीनियर स्पैन। फॉर एग्जाम्पल मैं जो एस सेट है वो हम ले लेते हैं, स्पेस में आटू ही लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ये वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया इस स्पेस में, वेक्टर स्पेस में से। ठीक है, तो ये हमने सेट लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका लीनियर स्पैन फाइंड आउट करना। तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बीटा के साथ, क्योंकि सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं हमने, और अल्फा और बीटा किसमें बिलोंग करेंगे, हमारे फील्ड में से। और ये बन जाएगा हमारा वेक्टर अल्फा प्लस बीटा और टू अल्फा। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सबस्पेस बन गई जिसमें वी वन वी टू वी थ्री वैक्टर्स होंगे, और ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी जो इन तीनों वैक्टर्स में बिलोंग करेगी और कंटेन करेगी, एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगी ये जो इन तीनों वैक्टर्स को कंटेन करती है, और जो भी वैक्टर इस सबस्पेस में पड़ा होगा वो क्या होगा, इन दोनों तीनों वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम कोई भी स्पेस में वेक्टर लेंगे वो इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ही आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं, तो कल हम लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।